आप हमको धमकी दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम बस बता दिए कि हम लोग 45 दिन का समय देंगे। अभी गलत शब्द का इस्तेमाल किया और धमकी भरा शब्द का इस्तेमाल किया, उनको नहीं करना चाहिए। तो आप हमको धमकी दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम बस बता दिए कि हम लोग 45 दिन का समय देंगे। अभी टोटल लॉक फुली लॉक, हम जा रहे हैं, आप लोग थाना जाइए। सरयाम जेएमएम नेता ने अड़गोड़ा थाना के महिला एसआई को धमकी दे दिया। उनका सीधा कहना था कि हम जेएमएम के उपाध्यक्ष हैं, जाइए आपको जो करना है कीजिए, कोर्ट में जाना है कोर्ट में जाइए, आइए आपको पूरा मामले की सच्चाई बताते हैं। रांची के रेडिसन ब्लू के बगल में एक जमीन में लीज पर दुकान दिया हुआ था। एग्रीमेंट का डेट अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन जो मालिक था उसका ऑर्डर आ गया था कि मेरा जमीन खाली करो। जी हाँ, मालिक ने कहा है कि मेरा जमीन खाली करो। दुकानदार का कहना था कि हमको कुछ दिन का समय दीजिए, लेकिन जबरन मालिक ने दुकान का ताला तोड़कर अपना ताला मार दिया। मौके पर अड़गोड़ा थाना पुलिस पहुंचे और समझाया, लेकिन एक युवक आकर कहा कि हम जेएमएम के उपाध्यक्ष हैं, ताला नहीं खुलेगा, जाइए आपको जो करना है कीजिए। और जैसे ही कैमरा ऑन हुआ तो दबे आवाज में बोलकर धीरे से निकल गए। देखिए पूरी खबर। नहीं तेरे को समझौता ना, हम लोग आपस का कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से वो हमारे सारे क्षेत्र के समय में हस्तक्षेप किए और जिस तरह से वो गलत शब्द का इस्तेमाल किए और धमकी भरा शब्द का इस्तेमाल किया, उनको नहीं करना चाहिए। सामने मैडम की इज्जत को रखे कहाँ? जब आप एग्री थे और जब दोनों पक्ष, आप शांत हो जाइए। जब हम आए और मेरे सामने ना आपका बिहेवियर खराब था और ना इनका बिहेवियर खराब था, और जब हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात किए तो आप लोग दोनों उस पर सहमत भी हुए। जब दोनों सहमत हुए तो फिर ये तीसरा आदमी प्रशासन को धमकाने वाला कौन है? नहीं तो खैर गलत है। अगर ना तो हम आपके पक्ष में बोले ना उसके पक्ष में बोले, जो बात कहा गया वो सिर्फ कानून के दायरे में रह करके लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात था वही कहा गया था। जैसे आप दोनों ही पक्ष सहमत थे तो फिर ये विवाद को उत्पन्न करने वाला ये तीसरा शख्स कौन आया? रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो आप हमको धमकी दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम बस बता दिए कि हम लोग 45 दिन का समय देंगे। अभी 45 दिन का समय देंगे, नहीं आप मत समय दीजिए, आप जो भी कीजिए आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्ट के माध्यम से कीजिए। 45 दिन का मेरा ये कहना है कि हम लोग जो लिखित करेंगे, लिखित दे रहे हैं, इनको समय है 45 दिन का। अगर ये लोग साइन कर देंगे तो हम लोग ताला चाबी दे देंगे, ये तो अन्यथा ये लोग कोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र है। टोटल लॉक फुली लॉक, हम जा रहे हैं, आप लोग थाना जाइए। भीड़ हो गए और होने के बाद भैया नहीं थे तो उनके बाद ताला मार दिया, तो ये गलत है ना, गलत है ना? ये बताइया एग्रीमेंट से इंसान चलता है ना, कुछ चीज का भी एग्रीमेंट होता है। हो हाँ वो हो रहा है, ये बाइक सर्विस का है, हम लोग नहीं दिए हैं, वो लोग हम लोग को इनको भैया को दिए, रिजवान भैया को। हाँ आज से नहीं, 2006 से ना, 2006 से वो नहीं, हाँ बचा 2026 का, शायद 18 में फिर से एग्रीमेंट हुआ क्या, 26 तक है। तो इनका कहना है कि अगर 2026 तक हम रहेंगे, उसके बाद हम 2026 जैसे मेरा कंप्लीट होता है, हम खुद आपके बिना बोले दुकान हम खाली कर देंगे। हाँ हाँ वो नहीं नहीं रहना चाहते, हाँ वो फिर 26 के बाद हम उनको सौंप देना चाहते हैं, ना उनका प्रॉब्लम ना हमको होगा प्रॉब्लम, बस ऑनर का है कि वो खाली करो खाली करो खाली करो, है ना, जबरन यानी कि प्रेशर बना रहे खाली करो। आज तो आप खुद ही देख रहे हैं ये नहीं थे ताला, वो फेंक दिया अपने ताला लगा के चले गए, तो ये कहाँ का इंसाफ है बताइए? आप बताइए जो नहीं, अगर हम आपको रेंट पे दिया आप नहीं रहोगे फिर भी हम ताला नहीं लगा सकते आपके घर पे, लगा सकते हैं नहीं ना, तो ये गलत है, ये कानून के खिलाफ है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।